हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। वो अभी क्या सोच रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग होगा, चार चार कार्ड लेंगे तीनों डेक में से। एक, दो, तीन और ये हो गए चार। एक, दो, तीन और ये हो गए चार। एक, दो, तीन और ये हो गए चार। पहले देखते हैं टैरो क्या कहता है। हैंगमैन, तो हो सकता है ऐसी स्टकनेस की एनर्जी में है, यानी कि थोड़ी सी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, जिसकी वजह से ऐसा सब नज़र आ रहा है जैसे जो भी कर रहे हैं वो सब उल्टा ही हो रहा है, जिसकी वजह से ये सोच में पड़ गए हैं कि शायद कहीं पे तो कुछ गलत हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जंगल में घूमने गए थे और आपका ध्यान नहीं है और अचानक से ये फंदा आपके पैर में फंस गया, आप बाकी दुनिया को देखने में लगे हुए थे और उसी वक्त ये पैर फंसने की वजह से ऐसा कोई अगर पर्सन ऊपर की तरफ खींच या चला जाता है और ऐसे अटक जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि अब खुद को कैसे छुड़ाए, यानी कि उस सिचुएशन के लिए वो प्रिपेयर नहीं होता। वैसे ही चांसेस है कि आपके पर्सन शायद ऐसी किसी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था और वो सिचुएशन इन्हें स्टकनेस फील करवा रही है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक तराजू है, तो ये पर्सन शायद इस वक्त किसी की मदद करने में भी बिजी है। हो सकता है किसी ने उनकी मदद मांगी है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है या घर में भी किसी की मदद कर रहे हो सकते हैं, लेकिन ये राइट नाउ उनकी सच्चे दिल से यानी कि बिना स्वार्थ के किसी की मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर ये स्टकनेस भी फील कर रहे हैं तो भी इस एनर्जी से जल्दी रिलीज उन्हें मिल जाएगा क्योंकि ये किसी की हेल्प कर रहे हैं जिसको मदद की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। एस का कार्ड हमेशा अच्छा ही होता है चाहे कोई भी एस हो, यानी कि एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स या एस ऑफ वैंड्स, हमेशा ये एक अच्छी एक्शन की ही बात होती है। जैसे कप को लेके हम सोचे तो इमोशन को लेके कोई आगे बढ़ने वाला होता है, वैसे ही यहाँ पे बैंड है यानी कि ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, तो आपकी पर्सन होपफुली आपके लिए कोई पॉजिटिव एक्शन लेने वाले हैं और अगर इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन है तो उस पैशन को भी आप तक पहुँचाने के बारे में भी ये कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपनी तरफ से आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, वैसे ही वो आपको बता सकते हैं कि हाउ मच ही और शी फीलिंग पैशनेटली अबाउट यू। किंग ऑफ कप्स वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी है, जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस किंग के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिख रहे हैं, उसके पैर आप देख पाएंगे कि बहुत ही हेल्दी पर्सन है, यानी कि जैसे जिम में जाके लोग बॉडी वगैरह बनाते हैं वैसे ही शायद हो सकता है कि आपके पर्सन भी जिम वगैरह करते होंगे,
और जैसे यहाँ पे दोनों कदमों में से एक कदम उन्होंने आगे बढ़ा के रखा है इस किंग ने, वैसे ही चांसेस है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो ये कप आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। ही और शी इज जस्ट थिंकिंग। थिंकिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाथ पे हाथ है, ये सोचने के एक्शन में है, अभी तक इस कप को हाथ नहीं लगा है। वैसे ही ये पर्सन सोच जरूर रहा है आपके लिए, दिल से उस कप को देने के लिए आगे बढ़ूं या अभी भी रुकूं। तो ये तो कार्ड हमने पहले ही देखा, ये पहले एक्शन का कार्ड आया और फिर ये सोच रहे, तो ज़रूर वो एक्शन तो लेंगे ही, आज ना सही कल लेंगे, लेकिन आपकी तरफ ये कदम ऑलरेडी थोड़ा सा ही सही लेकिन आगे बढ़ा चुके हैं, अब वक्त है इस कप को हाथ में लेने का। तो होपफुली मे बी एक दो दिनों के अंदर वो आपको अपने दिल की कुछ बातें तो शेयर ज़रूर करेंगे, हो सकता है आपसे मिलने के लिए भी कुछ पूछे। हसाना, एक तो उन्हें लगता है कि आप ही हैं जो उन्हें मुश्किल वक्त में सिर्फ हंसा सकते हैं, यानी कि आपकी कोई भी बात उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आती है। ये हुनर आप में है, शायद इसलिए आपको याद कर रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि आपको उनकी वजह से थोड़ा सा दर्द मिला है जिसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ हुई है, और इसीलिए ये पर्सन आपको हंसाने के बारे में सोच रहा है, यानी कि वो भी चाहते हैं कि आप अगर किसी दुख में हैं तो उस दुख की एनर्जी से आप बाहर निकले, भटक जाना। तो आपके बिना जिंदगी का जो लम्हा वो जीते हैं, यानी कि अगर दिन भर काम में भी बिजी रहते हैं, आपसे दिन भर में बात नहीं होती, तो दिन के एंड में उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो ज़िंदगी से भटक जा रहे हैं, यानी कि वो चाहते कुछ और हैं और दिन भर करते कुछ और, ऐसा हो रहा है। मतलब वर्क तो हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, काम ज़रूरी होता है, पैसे भी मिलते हैं और दिमाग के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन साथ ही साथ हम जिस वजह से काम करते हैं वो खुशियाँ भी इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि हम हमारे अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हें खुशियाँ देना चाहते हैं, ज़िंदगी का हर एक लम्हा जीना चाहते हैं, इसके लिए हम इतनी सारी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर ये दिन भर में हो नहीं पाता तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एंड ऑफ द डे यही लगता है कि जैसे वो किसी मकसद से भटक जा रहे हैं, भटक रहे हैं, और यही बात थोड़ी सी उन्हें तकलीफ देती है। सुकून, हर कोई अपनी ज़िंदगी में सुकून तो चाहता ही है, और आपकी पर्सन आपके बारे में जब सोचते हैं तो उन्हें काफ़ी सारा सुकून महसूस होता है, और इसीलिए शायद वो इस कप के बारे में जब भी सोचते हैं तब भी उन्हें आपसे बिना बात करे भी ये सुकून मिलता ही है। ये मैसेज है उनका, तुम मेरे हो, मतलब आपको अगर उन्होंने अपनी ज़ुबान से ये इजहार किया भी है या नहीं, फिर भी वो आपको अपना हमेशा काउंट करते हैं, यानी कि आप दोनों में कितनी भी डिस्टेंस क्यों ना हो, लेकिन वो आपको अपनी ही सोल का एक हिस्सा समझती है, इस हद तक आपसे उनका एक कनेक्शन है। यस, आई रिसीव्ड मैसेज। तो हो सकता है कि आपके मैसेज की राह देख रहे हैं, और अगर अचानक से आपका मैसेज उन्हें मिल जाए तो इस हद तक ये पर्सन खुश हो सकते हैं। ये कार्ड इंडिकेट ज़रूर कर रहा है कि आपका पर्सन आपके मैसेज की बहुत राह देख रहा है। आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ बिजी। तो शायद आपके मैसेज की राह देखते देखते वो थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसकी वजह से वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उन्हें यकीन तो है कि आपका मैसेज उन्हें आएगा, लेकिन सिर्फ अपने दिल को समझा रहे हैं, वेट अभी आता होगा, अभी बस थोड़ी देर में आएगा, बस रात तक आ ही जाएगा, ऐसे करके वो खुद के दिल को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका दिल ये ज़रूर कह रहा है कि आप उन तक रीच आउट ज़रूर होंगे। फ्लाइंग केसेस, ये एनर्जी है आपके पर्सन की। तो शायद आपका कोई फोटो देख रहे हैं या फिर आपका कोई टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते भी उन्हें इस तरह की एनर्जी लग रही है, यानी कि आप सामने होते तो वो क्या करते ये तो आप ही समझ सकती हैं या समझ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपकी तरफ ये अपनी तरफ से ये फ्लाइंग केसेस सेंड कर रहे हैं। ट्राइंग टू कंट्रोल माइंड,
ये तो हमने वही अभी जाना कि उनका माइंड बार बार आपके बारे में सोच ही रहा है, और इसलिए वो खुद को समझा रहे हैं कि वेट, अभी थोड़ी देर में उसका मैसेज आ जाएगा, इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था रीडिंग आज का, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।